हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर क्लास 12th का जो सीबीएसई का पेपर हुआ था आज इंग्लिश का, तो उसकी जो एक पैसेज आई थी फॉर एंटरप्राइज को लेकर, तो उसी के रिगार्डिंग में वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ और आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी अगर जैसे कोई डाउट लगता है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, उसमें और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और अपने आंसर जो है वो टैली कर लीजिए। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा टॉयस की इम्पोर्टेंट बताई गई, जो एजुकेशन टॉयस है बच्चों की नॉलेज को एनहांस करेंगे, ठीक है, उनकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, फाइन मोटर स्किल को अवेयर करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है अगर वो इसमें लगते हैं तो उनकी काफ़ी स्किल अच्छी डेवलप होगी, उसके रिगार्डिंग है ये, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है टायर टू और टायर थ्री जो सिटीज हैं आखिर में किसको कहा गया। अगर बच्चा सिर्फ ऊपर की लाइन देखता था वो कहेगा टू और थ्री यहाँ लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर जो है हमें ऊपर मिलता है जो यहाँ पर ये बताता है ये टायर टू और टायर थ्री किन सिटीज को कहा गया जिनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो अंडर डेवलप्ड सिटीज आएगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पर बोल रहा है कि द मेड इन इंडिया, देखो कोई भी सेट हो आप सब देख सकते हो, पेपर जो है उसका सेम था इस मतलब पैसेज में, तो आप मैच करो। द मेड इन इंडिया जो एजुकेशन टॉयज है वो दो पर्पज को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो जब हम पहले सीजन में देखते तो यहाँ बता रहा है कि एजुकेशन जो टॉयज हैं वो ना केवल इंडियन वैल्यू को बल्कि सिविलाइजेशन को भी ध्यान देते, बल्कि बच्चे की बात कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है, जो चिल्ड्रन की बात की गई है यहाँ पर, देखो बात की गई है एजुकेशन टॉयज जो सर दो पर्पज करता है, एजुकेशन की बात कर रहा है, टॉय जो है किसकी काम करता है, तो देखो ये तो इन्होंने बोला है जनरल है, अगर किसी बच्चे ने लिखा है इंडियन वैल्यू और सिविलाइजेशन ये तो है, लेकिन मेन जो है क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा है, तो अगर आपको जरा डाउट लगता है तो आप इंडियन वैल्यू सिविलाइजेशन क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग का बच्चे ने लिख दिया तो ये अगर है तो उसको नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर हो गया ना, ठीक है, ये चिल्ड्रन क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की बात करता है, ठीक है, जो हमारा मेड इन इंडिया एजुकेशन टॉयज जो है ये दो पर्पज के लिए काम करता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो पता है बच्चों को जरा डाउट हो सकता है कि सर ये क्यों नहीं, क्योंकि देखो हम टॉयस की बात करते हैं, टॉयस हमें क्या दे रहा है ये चीज दे रहा है ना, इसलिए अगर इसलिए अगर जैसे बच्चे ने पूरा पैरा लिखा तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से मिलने भी चाहिए। उसके बाद जो है थर्ड है, थर्ड में बोला कि द ऑथर जो है यहाँ पर पॉइंट कर रहा है कि पूरी पैसेज में किसके बारे में पॉइंट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो एजुकेशन टॉय है ना वो एजुकेशन जो है उसको मोर प्रैग्मेटिक बना रही है, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, बाकी यहाँ एंटरटेनमेंट की बात नहीं कर रहा, टीचर की जगह की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए इसका आंसर डी है, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं कि एजुकेशन टॉय अगर बच्चा यूज करता है तो उसकी पर्सनैलिटी जो है बच्चे की डेवलप होगी, तो ये कैसे हो सकती है, मतलब बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे होगी, एजुकेशन टॉय की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे अगर टॉय जो है बच्चे को एंगेज करके एक्सपेरिमेंट लर्निंग में, ठीक है, उसके अवेयरनेस बढ़ाएगा, फाइन मोटर स्किल डेवलप करेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा बच्चा जो है वो सोशल स्किल सीख पाएगा, ठीक है। और तो इसका आंसर ये है कि ये एक्सपेरिमेंटल लर्निंग उसको आएगी, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें वो सीख पाएगा, एक्सपेरिमेंट लर्निंग, तो अगर बच्चे ने प्रॉब्लम सॉल्विंग बताया एक्सपेरिमेंट या जिस बच्चे ने पहला लिख दिया तो मेरे हिसाब से नंबर पूरे मिलने चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आंसर लिख दिया पैरास्थित के अंदर है, मैंने इसको देखा, मैंने कहा चलो क्वेश्चन बच्चों को बताया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने बोला कि ये फाइव हेडलाइन दे रखी है, तो कौन सी है जो नोट की बात करती है, जो हाईलाइट बिल्कुल नहीं कर रही है, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि हिंडर करती है पीपल के इंट्रैक्शन को, जबकि ये तो बढ़ाती है, ये जो है टॉयस वाली है ना बढ़ाती है, ठीक है, ये फ्री हो वाइड स्प्रेड है, ये सारे इसके अकॉर्डिंग ठीक लग रहे हैं, तो ई आंसर है इसका, ठीक, ए आंसर आ गया इसका, ठीक है। फिर छठा है ये कह रहा है कि कौन सी एविडेंस होती है जो हमें पूरी पैसे में पढ़ने में पता लगती है कि एजुकेशन सिस्टम है उससे क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, ठीक है, एजुकेशन टॉय ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, तो हम देखते हैं कि उसने क्या करा है, उसने क्या करा, रोट लर्निंग को खत्म कर दिया, रोट लर्निंग को खत्म कर दिया एजुकेशन ने, और इससे क्या हो रहा है इनोवेशन हो रही है नई नई चीज़ों की, तो ये इसका आंसर इसमें है। अब जो बच्चे जब पूरी बना करेगा तो मेन मेन बात बता देगा, नहीं तो उसने बोला पैराग्राफ में, अब जैसे बच्चे ने पैराग्राफ लिखा तो उसका आंसर सही है, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट है कह रहा है कि 40 वर्ड्स में आपको बताना है कि जो एजुकेशनल है वो ग्रास रूट लेवल पे कैसे बेनिफिट उसने बताना, मतलब जड़ के रूप में कैसे प्रदान करा उसने, क्योंकि इतने पता क्या प्रदान कर दिया कि जो टू टायर थ्री लेवल वाले हैं, ठीक है, वो उनमें जो है फैसिलिटी होने लगी, बच्चे फिजिक्स वगैरह पढ़ने लग गए हैं, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर इतने आंसर बताना था, और जो जो जमीन के अंदर की जो चीज़ों की खोज है उस पर होने लग गई है, तो इसका आंसर इसमें यहाँ पे आप यहाँ बता दोगे, जो आंसर ये मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट हुआ स्कूल के अंदर, एजुकेशन होती वहाँ पहुँच पाई है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट
ये कह रहा है कि अगर ये जैसे एन अपोज टू लर्निंग बाय हार्ट, जैसे हम दिल से याद कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंटल टॉय क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट को जगा रहे हैं, मतलब मन इंटरेस्ट को जगा रहे हैं। ठीक है, तो ये ए आ जाएगा पॉइंट, इसे बहुत इजी था। तो चलो उसके बाद नेक्स्ट पैरा फोर में आंसर इसका कि कह रहा है प्लेइंग जो होता है वो हमेशा बुरा माना जाता था, जैसे हम बच्चे गेम खेल रहे तो बुरी मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना प्लेइंग जो है वो अच्छी मानी जा रही है। ठीक है, क्यों मानी जा रही है, तो इसका आंसर ये पैरा फोर में है। ठीक है, प्लेइंग को जो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, क्योंकि इससे बच्चे में अंदर क्यूरियोसिटी जाग रही है, फोकस ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बच्चे को हेल्प कर रहा मास्टर में, ये इसमें आता है। बच्चे ने पैरा फोर लिख दिया या पैरा फोर की बातें बताई तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जैसे ये अंडरलाइन अगर किया जाए तो उतना ही होता, नहीं तो इसमें 40 मिनट बोले तो बच्चे ने इसके बारे में जो भी लिखा होगा इसमें उसके ऊपर मार्क्स मिलेगा। तो मैंने अभी पहली पैसेज आपको मैं सॉल्व करवा पा रहा हूँ, इतना ऐसी तो मैंने आपको बता दी ना, तो आगे के पेपर दिखा दो ताकि अगर फ्यूचर इनकेस बच्चे क्वेश्चन पेपर देखना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर आराम से वो देख पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने दिखा दिया पेपर का, ये सेकंड पैसेज है। ठीक है, आप देख लो, ये मैं तीनों सेट का दिखाऊंगा, पहले सेट थ्री दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया सेट तीन। सेट वन देखिए, ये तो पैसेज थे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट मतलब बताया दिए, इसमें जो टिक लगे उसको ध्यान मत देना। मैंने सर पहली पैसेज आपको समझाई है। ठीक है, आप चाहे तो खुद आंसर, जो बच्चे एक्सपर्ट्स हैं इंटेलिजेंट्स हैं वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो बच्चे हैं उनको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, बाकी फिर मैं चेक कर लूंगा, जिन बच्चों ने एक्सपर्ट्स ने आंसर दिए मैं उनको भी चेक कर लूंगा कमेंट में, अगर मुझे टाइम मिला, नहीं तो मैं आपको अलग से आंसर की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जितना हो सके मुझसे। ठीक है, ये सेट टू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।